अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज MK, जिसमें आपको मेडिसिन के हवाले से गाइड किया जाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानब है कि ड्रग सेवन प्रेगनेंसी और ड्रग्स जो मेडिसिन प्रेगनेंसी में फीमेल्स यूज़ करती हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाता है और प्रेगनेंसी में वो सेव है। तो मैं मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनाल्जेजिक्स, यानी इनाल्जेजिक्स दर्द में कौन सी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा हम देखेंगे एंटी एलर्जिक, यानी एलर्जी की सिचुएशन हो जाए तो उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, चाहे किसी तरह की भी एलर्जी हो, रैशेज हों, वाइट आईज हों, चाहे जिस तरह की भी एलर्जी हो उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। एंटीबायोटिक, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे UTI हो या RTI, जो किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो तो उसमें हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हम देखेंगे एंटी अल्सर्स, यानी मैदे में कोई मसला हो जाए तो ज़ख्म हो जाए तो एंटी अल्सर्स मेडिसिन कौन सी होंगी जिनको हम प्रेगनेंसी में सेव करेंगे और इनका यूज़ ईजी होगा। और लास्ट में देखेंगे एंटी एमेटिक, यानी उल्टी को रोकने के लिए जो मेडिसिन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल की जाती है तो वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाल्जेसिक्स, यानी दर्द को ख़त्म करने के लिए, सर दर्द हो, बुखार हो, चाहे किसी तरह का भी दर्द हो तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका जो यूज़ है वो आसान है और ये प्रेगनेंसी में सेव है। इसका कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप पैनाडोल करें, कॉलपोल करें, तो जिसमें पैरासीटामोल की मकदार हो तो उनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एलर्जी चाहे किसी तरह की भी हो, वाटरी आईज हो, उसके अलावा रनी नोज हो, यानी नाक का बहना, आँखों से पानी आना, जिसमें पर दाने वगैरह, चाहे किसी तरह की भी एलर्जी है तो उसमें हमें लिवरसिट्रिजिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, डायमंड हाइड्रोमाइन इस्तेमाल करने की, लिवरसिट्रिजिन, डायमंड हाइड्रोमाइन और लोरेटेटिन। लोरेटेटिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और कोई देखना चाहे तो वीडियोज में जाकर उसको अब आसानी देख सकता है। अब अगर बात की जाए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स, ये सबसे मेन चीज़ है, कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सिफ्लॉक्सन्स, सिफ्राडीन्स, सिफिक्सिम, सिफोटॉक्सियम, एजिथ्रोमाइसिन्स, उसके बाद हम एमोक्सिसिलिन यूज़ करेंगे और लास्ट में हम सिफ्ट्रॉक्सिन यूज़ करेंगे। और अगर देखा जाए एंटी एल्सेज, यानी मैदे में के दर्द के लिए जो इस्तेमाल करनी है तो ज़ख्म हो जाए उसमें आप यूज़ कर सकते हैं रेनिटाडीन, लेंसोप्राजोल, सुक्रोल्फेट, गेविस्कॉन्स। इसमें टेबलेट्स मौजूद हैं, गेविस्कॉन्स सिरप की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, सुक्रोल्फेट भी सिरप की फॉर्म में आपको आसानी, ये कोई भी मेडिसिन है सिरप और टेबलेट्स की फॉर्म में आपको आसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मैसर हो जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं एंटी एमेटिक, यानी इमेटिक जो लफ्स है ये वोमिटिंग को रोकने के लिए, इसमें आपसे डॉक्सीलामाइन यूज़ कर सकते हैं जो सबसे फर्स्ट है, उसके बाद डायमंड हाइड्रोनेट यानी ग्रेविनेट, और लास्ट में आप